आपने देखा होगा इंडिया वाले सारे अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान वाले इवन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान अफगानी भाई भाई, हालांकि वो रहते इधर है, सीखते इधर से हैं, वो ये कहते हैं कि इंडियन अफगानी भाई भाई। ठीक है, अफगानिस्तान ने पहला अपना ODI खेला 2009 में आयरलैंड के खिलाफ, और 2010 में पहला T20 खेला। ठीक है, एक 14 से 15 साल का बच्चा एक 50 साल के बंदे को हरा दे तो समझ नहीं आता। ठीक है, और ये अफगानिस्तान वो टीम है, इसके सारे खिलाड़ियों ने उमर गुल से और जो हमारे पाकिस्तानी जितने बॉलर्स हैं इंजमाम से ट्रेनिंग ली और इनसे सीख कर इनको हरा दिया गया। इनका तो कोई चांस नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कोई चांस नहीं नजर आ रहा। हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक पहली टीम जो है सबसे जो डिजर्व करती है इंडिया, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे है साउथ अफ्रीका, और चौथी टीम कोई भी हो सकती है वो ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे लग रहा है। और जो फाइनलिस्ट दो टीमें हैं वो ऑब्वियसली इंडिया और न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका होगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान मैच जीत चुका है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से हम ये पूछेंगे कि इस मैच के बाद क्या कोई थोड़े भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। और जिस तरीके से, बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान के मीडिया सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि भाई ज़का अशरफ वहां पे गए, मीटिंग हुई, मैच फिक्स हुआ, क्या अब अफगानिस्तान से हारने के बाद भी हम यही कहेंगे कि मैच फिक्स हुआ या फिर अपनी हार को एक्सेप्ट करेंगे? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, यूथ इसके ऊपर क्या बात करती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। आपका नाम? मोहम्मद जियाद नाजिम। और आपका नाम? बाबर हुसैन। राजा फरीद। ठीक है, यहाँ पे चाय पी जा रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था, जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम ने खेला और जीती पाकिस्तान से, और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में और ODI की हिस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की पब्लिक के क्या रिएक्शन है? और आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से बाहर होती नजर आ रही है हमारी टीम, मतलब जल्द ही हमारे खिलाड़ी वापस आ रहे हैं। जी देखें, सबसे पहले किसी भी चीज पे बात करने से पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान ने पहला अपना ODI खेला 2009 में आयरलैंड के खिलाफ, और 2010 में पहला T20 खेला। ठीक है, एक 14 से 15 साल का बच्चा एक 50 साल के बंदे को हरा दे तो समझ नहीं आता। ठीक है, और ये अफगानिस्तान वो टीम है, इसके सारे खिलाड़ियों ने उमर गुल से और जो हमारे पाकिस्तानी जितने बॉलर्स हैं इंजमाम से ट्रेनिंग ली और इनसे सीख कर इनको हरा दिया गया, तो ये बड़ी काबिले मुज़ाहमत बात है। नहीं तो भाई, इधर एक बात ये भी माइंड में आती है ना कि अगर उमर गुल से ट्रेनिंग ली, इंजमामुल हक से ट्रेनिंग ली, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है ट्रेनिंग ली, लेकिन वही अगर वो जो खिलाड़ी हैं हमारी टीम को ट्रेनिंग दे देते, क्या आपको लगता है उनकी अपनी कोई एफर्ट नहीं है अफगानिस्तान टीम की, जिस तरीके से उन्होंने आज परफॉर्म किया? देखें जी, डेफिनेटली डेडिकेशन जो उनके ओपनर्स हैं उनके लिए, ठीक है, फॉर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने खुद को जैसे ग्रोम किया और वो, एंड दूसरी सबसे बड़ा उनको एज ये है कि IPL की वजह से जो उनको उन पिचेस के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है, और पाकिस्तानी जो थे वो टोटली फेमिलियर नहीं थे इन पिचेस के ऊपर। लेकिन उसमें ये है कि वो अफगानिस्तान के भी दो तीन प्लेयर हैं, सब तो IPL नहीं खेलते, दो तीन प्लेयर हैं जो IPL खेलते हैं। आप देखें जो परफॉर्म कंसिस्टेंटली कर रहे हैं वो सारे वही हैं जो IPL खेलते हैं, हशमतुल्ला, उसके बाद वो गुरबाज है, अच्छा, राशिद खान है, नबी है, ये देखें है। ये वही लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और वही IPL खेलते हैं, दे आर फेमिलियर। और इसमें जो ICC की सबसे बड़ी अडरमी ये है कि वो इंटेंशनली पाकिस्तान को ऐसी पिचेस पे खिला रहे हैं जहाँ पे फास्ट बॉलर जो है वो इन स्विंग आउट स्विंग करने से अपनी पेस दिखाने से काम कर रहे हैं। अच्छा, चेन्नई की पिच वाकई में फास्ट ही। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि पहले इंडिया की दफा जब मैच था तब भी पाकिस्तान में ये कंसेप्ट बनाया गया कि भाई ICC ने कोई थोड़ा सा इस तरह से किया है, जानबूझ के ऐसा ग्राउंड रखा गया जहाँ पे पाकिस्तान ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। अफगानिस्तान की दफा, मतलब पाकिस्तान से कोई ICC की खास दुश्मनी है या क्या वजह समझते हैं आप? अगर ऐसा है तो समहाउ इसमें कोई शक नहीं कि पूर कैप्टेंसी है हमारी तरफ से, कि बाबर आजम को नहीं पता चलता कि कहाँ पे मैंने किस बॉलर को चेंज करके रोटेट करना है, और यहाँ पे बैटिंग पहले करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। इंडिया जैसी नंबर वन टीम जो वर्ल्ड कप में चल रही है, रोहित शर्मा जैसा कैप्टन, वो उनकी होम ग्राउंड है, फिर भी वो लोग पहले बैटिंग नहीं करते, हमेशा टॉस जीत कर पहले वो बॉलिंग को चूज करते हैं। मुझे नहीं समझ आती बाबर आजम किस स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं या उनका क्या
आल्दो अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर नजर आ रहा है वेरी पुअर कैप्टन। ठीक है भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो टेक्निकल बातें की हैं, अगर मैं थोड़ी सी कैजुअल बात करूं कि जो रिएक्शन होता है मैच जीतने या मैच हारने के बाद, पहले ये देखा जाता था इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था बड़ा एक मतलब वार्म सा एनवायरनमेंट होता था कि जी हार गए जीत गए जो भी, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ हमारी जो टसल चलती है, यहाँ पे अफगानी है जो पाकिस्तान में मौजूद है वो जो उनसे अक्सर देखने में आते हैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करते नजर आते हैं, और अब मैच जब हम हारे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर पहली बात ये तो पाकिस्तान में ऐसा है कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम थी ना, सबसे पहले जाती है मीन्स के अच्छा खेलती है, ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बैटिंग करती है, जब पता नहीं क्या चलते चलते इन्हों को जैसे कोई गाड़ी रुक नहीं जाती, ठीक है, वो उनका साफ हो जाता है। यानी मैं अगर कहूं तो वो इस तरीके से है कि एक खिलाड़ी अगर आउट होता है उसके बाद लाइन लग जाती है, वर्ल्ड कप से बाहर नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दो चार दिन में हमारी टीम वापस आएगी या फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में? फिर भी अभी चार हमारे मैच पड़े हैं अभी। आप देखिए पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सारा बैकग्राउंड देखें टुवर्ड्स 92 to 2023, हमारी टीम दवा दरूद वाली टीम है, ठीक है, ये हमेशा जब भी आई है दवा दरूद लेके जो है फाइनल की तरफ आई है, सेमीफाइनल की तरफ सॉरी। तो अभी भी लेट्स सी चार मैचेस हैं, अगर वो चार मैचेस जीतते हैं, लेकिन इस इवन आपको पता टीम आगे कौन सी है जो चार टीमों में से एक बांग्लादेश है, लेकिन यही तो बात है। फिर मैं आपको जो सबसे पहली बात ये की हमारी टीम है ही दवा दरूद वाली टीम, ठीक है, तो इनके पीछे इतनी दवाएं और वो जो दरूद चल रहे होते हैं तो उस बेस के ऊपर कोई असर हो जाए तो सेमीफाइनल में पहुंचे, अदरवाइज परफॉर्मेंस के लिए नहीं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे भाई? आप खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैच देखा, मैच हार गए और हार जीत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान का आजकल ये चल रहा है हार हार ही होती जाती है, जीत कम ही हो रही है। नहीं, हार जीत का मसला नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से हार जाना ये वैसे शर्मिंदगी है, ठीक है। वैसे मैं हाँ, ये अपसेट नहीं है, जो अफगानिस्तान है वो अब एक प्रॉपर टीम बन चुकी है, ऐसे ही है, वो एक प्रॉपर टीम है, लेकिन जहाँ पे जो नेग्लिजेंस है वो सारी मेरे ख्याल में बाबर आजम की है। जब आप 50 कर चुके हैं, जब आप 70 क्रॉस कर चुके हैं, आपको बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाती है, तो जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो तब वो आउट हो जाता है। इसी जगह आपका आप उसका कंपैरिजन करते हैं विराट के साथ, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट को आपने देखा होगा जैसे ही वो मुश्किल टाइम आता है वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देता है, वो एंजॉय करता है, वो गेम चेंजर, वो उस चीज को एंजॉय करता है, प्रेशर को हैंडल करके वो दूसरी टीम पे शिफ्ट कर देता है। और ये पाकिस्तान के मोस्टली लोग पब्लिक ये कहती नजर आ रही है जो क्रिकेट को जानते हैं या देखते हैं कि भाई आप बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट दोनों अच्छे प्लेयर हैं, अपनी अपनी क्लास है, लेकिन कंपैरिजन नहीं, प्लेयर अच्छा है, लेकिन वो एक तो पहली बात तो ये है कि वो बहुत सीनियर प्लेयर है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं मशवरा दूंगा बाबर आजम को, उसको चाहिए कि उनको मेंटल लेवल पे ना उनकी क्या कहते हैं उसको ग्रूमिंग होनी चाहिए मेंटल लेवल पे, सबसे ज्यादा उन पे वर्किंग इस पे करें कि यार जब आपने स्टैंड ले लिया है, जब आपने स्कोर अच्छा कर लिया, जब आपको बॉल नजर आ रही है दिख रही है, तो प्रेशर को उन पे आप रिवर्स कर दो, तो आप एग्जीक्यूट करो ना, टीम को लेके चलो, बजाय इसके कि आप उसी जब मारने की बारी आई है 70 हो गया आपकी टीम, आपको स्कोर अच्छा मिल गया, आपको पता है पीछे बैट्समैन पड़े हुए हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके आप पहली बात आपने इतनी बॉलें बीट कर दी, अपने ऊपर प्रेशर बना लिया, और जब उन पे आपने करना था उसको तो आप आउट हो गए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब अफगानिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट किया वो डिफेंसिव मूड में रहे हैं, ये नहीं है कि आते साल उन्होंने पहले बड़ा टिप टिप किया कि भाई पहले सेट हो जाए, अटैकिंग मूड में रहे हैं, डिफेंसिव मूड में। आपको पता नहीं है पाकिस्तानी बॉलरों का सबसे ज्यादा को खेलने का तरीका ये है, अगर आप पाकिस्तानी बॉलरों को पहले डर के खेलेंगे तो ये आप पे हावी हो जाएंगे। अब वो देख रहे हैं, हर मैच देख रहे हैं, उनको पता है, वो सबसे पहले उनको डिफेंड नहीं करते, वो अटैक करते हैं, जब इनको पता 2-3 ओवर इनको मारेंगे विकेट नहीं मिलेगी तो ये वैसे ही इनका दिमाग कंफ्यूज हो जाते हैं ये। अच्छा, पाकिस्तान में जो अफगानी रहते हैं हमारे भाई हैं, उनका क्या रिएक्शन है, उन क्या समझते हैं आपके, वो आज किसको सपोर्ट कर रहे थे आपके ख्याल से, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया होता है आपकी ऑब्जर्वेशन? मैं जिम मेरे जिम पार्टनर है वहाँ पे आते हैं दोस्त, वो जाहिर बात है वो अब अफगानिस्तान उनका होम वो कंट्री है उनका, नो डाउट इधर रहते हैं, लेकिन मोहब्बत करते हैं और गेम में जिसको मर्जी कोई सपोर्ट। उनमें से एक ने ये भी कहा कि यार आज जो भी जीते हाँ। दोनों ही हमारे हैं, लेकिन हाँ। वो हमें पता है कि वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जारी बात है हमारा इंडिया में जाके खेल रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि आज जब स्कोर नहीं बना ना हाँ। मुझे पता था कि ये मैच हारेंगे, लेकिन मैं कह रहा था कि यार आज ये हार जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर अंदर ये बात थी कि यार जीतना चाहिए। अगर टीम्स की बात करें तो अफगानिस्तान टीम की इंडिया के साथ मतलब जो प्लेयर्स हैं या ओवरऑल बड़ी फ्रेंडशिप नजर आती है, हमारे साथ फ्रेंडली मैच होते हैं और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, हमारे साथ जब मैच होता है
होता है, कभी कुर्सियां चल रही होती हैं, कभी जो उनसे आपस में ग्राउंड में लड़ाई हो चुकी है। बैकग्राउंड हमारा वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो उस चीज को खेल में ले आए हैं, उसकी और कोई वजह नहीं, दूसरी वजह नहीं है। वो स्पोर्ट्स को वो पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, वो इस चीज को आपने देखा होगा इंडिया वाले सारे अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान वाले इवन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान अफगानी भाई भाई, हालांकि वो रहते इधर हैं, सीखते इधर से हैं, वो ये कहते हैं कि इंडियन अफगानी भाई भाई। वो पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं कह जाता, वो पॉलिटिकल थोड़ा सा वो जो उनसे बैकग्राउंड है कि भाई मैच देखा है ना आपने इंडिया का और अफगानिस्तान का कैसे हुआ है, ऐसे लग रहा था वो दोनों अपनी टीम है आपस में ही खेल रही है। जो मैच होने है अफगानिस्तान और इंडिया का, उसमें क्या समझते हैं किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं? अब अफगानिस्तान इंडिया के कोई अग्रेशन नहीं दिखाती, वो इजीली खेलते हैं, वो उनको लगता है कि ये हम दोनों भाई भाई खेल रहे हैं, जो भी जीते वो बाकायदा खुद जितवा देते हैं, ऐसे लग रहा है उनके में कोई अग्रेशन नहीं नजर आता इंडिया के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन है। और उसका भी वो कहते हैं ना खेल को वो पॉलिटिक्स को खेल में नहीं लाना चाहिए, लेकिन अफगानियों का ये है कि वो पॉलिटिक्स को खेल में ले आए हैं और वो पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्यों खार खाते हैं वो ये चीज। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक को भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये चीज सोचनी चाहिए। और एक साइड पे ये भी रियलिटी है कि हम कहते हैं जी चने बेचने वाले, हम कहते हैं जी बूट पॉलिश करने वाले, ये चीजें जब हमारी साइड से कुछ अनएजुकेटेड लोगों की तरफ से कही जाएंगी तो फिर नफरतें तो बढ़ेंगी। अच्छा लगा इनसे बात करके भाईजान, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? रिएक्शन मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि पाकिस्तान मैच हारा, अफगानिस्तान जीता और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? यार मैं तो यही कहूंगा कि हार जीत होती रहती है, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और आगे अच्छी परफॉर्म करना चाहिए, स्पिन बॉल पे इनको काम करना चाहिए, काफी देर से स्पिनर इनके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में मिडिल में जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक हो गया, और उसी वजह से फिर स्कोर भी हाई चेज स्कोर होते हैं, तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि स्पिन पे काम करना चाहिए, ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्रिकेट के हवाले से आपको काफी नॉलेज है, होनो है, क्या कहेंगे आज का जो मैच था उसमें क्या चीज आपने हट के देखी, मतलब परफॉर्मेंस वाइज या कॉन्फिडेंस वाइज दोनों टीम में? पहले ऐसा होता था कि मतलब पाकिस्तान का जब अफगानिस्तान या इस तरीके से कोई नेदरलैंड या ये टीम के साथ मैच होता था, अक्सर लोग देखते नहीं थे कि यार ये तो जीत ही जाना है या इस तरीके से है, लेकिन अब आज के मैच में आपको लगा है कि ये कोई हल्की टीम के साथ मैच चल रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात के अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ी मैच्योर बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, ठीक है। और एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी टीम से मैच, उन्होंने बड़ा कैजुअली उनके जो ओपनर्स हैं इंग्लैंड से वो जीते, तो उन्होंने बड़ा कैजुअली आपको प्ले किया, कहीं पे उन्होंने फीलर नहीं दिया कि जी आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है या कोई आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा टोटली अप्रिशिएट करना चाहिए अफगानिस्तान टीम को, स्पोर्ट्समैनशिप की ये निशानी है कि भाई जो जाहरी बात है अच्छा खेला वो मैच जीता जिसने परफॉर्म किया और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कौन सी चार टीम देख रहे हैं, फाइनल में कौन सी चार टीम दो टीम देख रहे हैं, और सेकेंडली अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में कहीं देख रहे हैं आप? नहीं जी बिल्कुल, ये दोनों टीमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो नहीं जाएगी, दोनों डेफिनेटली सेमीफाइनल में, कोई सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल में चार टीमें जाएंगी, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फाइनल में, एंड और फाइनल के अंदर इंडिया शुड बी देयर, ठीक हो गया, और दूसरी जो भी टीम, ठीक हो गया। चले आप यही सेम क्वेश्चन है लास्ट में कि सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से कोई टीम सेमीफाइनल, इनका तो कोई चांस नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कोई चांस नहीं नजर आ रहा। हाँ मेरे ख्याल के मुताबिक पहली टीम जो है सबसे जो डिजर्व करती है इंडिया, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे है साउथ अफ्रीका, और चौथी टीम कोई भी हो सकती है वो ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे लग रहा है। और जो फाइनलिस्ट दो टीमें हैं वो ऑब्वियसली इंडिया और न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका होगी, और मेरी जो हॉट फेवरेट फिलहाल टीम जा रही है वो मेरे ख्याल से, मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन जो अच्छा खेल रही है जो डिजर्व करती है वो इंडिया। आप क्या चाहते हैं फाइनल कौन जीते, कप किसके पास जाए, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर मतलब कोई और टीम? यार मुझे भी लग रहा है कि अफ्रीका और इंडिया और न्यूजीलैंड और फोर्थ हो सकता है, ये तो जो भी जाएंगी जीते। आपकी एक फेवरेट टीम कौन सी है इस वर्ल्ड कप में? अफ्रीका लग रही है मुझे तो, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप में मतलब इंडिया आपके ख्याल से फेवरेट टीम है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी इस टाइम वो उसमें से रेस से बाहर है ना? डेफिनेटली इंडिया इज मोस्ट फेवरेट, ठीक है, और उनका होम ग्राउंड भी है, और 2011 इंडिया ने 2011 में भी होम ग्राउंड में ही वर्ल्ड कप जीता था, और मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री विल बी रिपीट। जैसे जैसे इस तरीके से हाईएस्ट स्कोरर भी जो है अभी इस टाइम जो है विराट कोहली हैं, और आप क्या कहेंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में कौन हाईएस्ट स्कोरर रहेगा और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहेगा आपके ख्याल से? हाईएस्ट विकेट टेकर तो
मे भी पाकिस्तान खेलने के बाद पाकिस्तान का बुमराह या इंडिया की तरफ से बुमराह आएगा और हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली। विराट कोहली ठीक हो गया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विकेट टेकर मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है इंडिया में से या तो जडेजा होगा, ठीक है मुझे नहीं पता अभी मेरे एग्जैक्टली जेहन में नहीं है कि वो उनमें से नहीं, और बुमराह अभी तक दूसरे नंबर पे है तो बुमराह ऑब्वियसली उसी में उसके अंदर ही रहेगा फर्स्ट थ्री में, बुमराह है या फिर सिराज है। हाईएस्ट स्कोरर कौन होंगे? हाईएस्ट स्कोरर मेरे ख्याल में एक तो उधर से न्यूजीलैंड अगर फाइनल तक जाती है तो उनमें से एक हो सकता है, वो रविंद्रा या फिर वो उसके साथ एक और है, ठीक है। और इधर से ऑब्वियसली कोहली है, विराट कोहली है डेफिनेटली। और इस टाइम पे भी जो हाईएस्ट स्कोरर है वो विराट कोहली है और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे है। अच्छा लगा इन सबसे बात करके, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, खेल को खेल तक ही रखना चाहिए, ग्राउंड में ही जो भी कंपटीशन है वो होना चाहिए। पॉलिटिक्स को, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या किसी भी टीम का मैच हो, पॉलिटिक्स को ग्राउंड में नहीं लाना चाहिए। और बड़ी बात जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ज्यादातर चलता है या मेनस्ट्रीम मीडिया पे चलता है, जी ये मैच इंडिया में हो रहे हैं, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा फेवर इंडिया को दी जा रही है या पाकिस्तान को जानबूझ के ऐसी ग्राउंड में ऐसे जो है वो पिच दी जा रही है जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, कोई एग्री, आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं इस चीज इसको डिनाई करता हूँ, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान जैसा परफॉर्म कर रही है इसमें पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स का कसूर है, इसमें वो पिच का कोई कसूर नहीं है। ये तो बस आप कहते हैं कि किसी को एक्सक्यूजेज है आपके पास, जितने हार गए तो कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूजेज आपके पास जितने मर्जी है वो देते जाए। ठीक हो गया, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।